पीछे एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि हरियाणा में आज से फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। फसलों की सरकारी खरीद आज से शुरू हुई है। हरियाणा में आज से फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और इसके लिए जो तमाम किसान हैं उनको मैसेज के जरिए ये जानकारी दी गई है। और यहां आपको बता दें कि पहले दिन 6,402 किसान बुलाए गए हैं फसल खरीद के लिए। किसानों को मैसेज भेजकर बिक्री के लिए बुलाया गया है। इस बार 63.47 लाख एकड़ में है गेहूं और 125 लाख टन उत्पादन का है अनुमान। महम से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, आज से खरीद शुरू हो चुकी है सरकारी खरीद फसलों की, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? जी दीपशिखा, देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सरकार की तरफ से आज से ही मंडियों में सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन अगर महम अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ अभी तक कोई किसान जो है न सरसों लेकर पहुंचा है और न ही गेहूं की फसल यहाँ आई है, क्योंकि गेहूं की फसल पकने में अभी समय है और ये 10 अप्रैल के आसपास जो है यहाँ गेहूं की फसल आएगी। और हालांकि जो मंडी प्रशासन है उस द्वारा, मार्केट कमेटी द्वारा हर तरह के जो इंतजाम किए गए हैं, या सुरक्षा इंतजाम की बात करें और किसानों और आढ़तियों के लिए बिजली पानी के जो इंतजाम करने होते हैं वो यहाँ कर दिए गए हैं, लेकिन मंडी खाली है। यहाँ इक्का दुक्का किसान ही जो है कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं, आढ़तियों के पास आते हैं, बाकी कोई फसल यहाँ लेकर के नहीं आया है। और इस बार जो है गेहूं का जो रेट है, दीपशिखा मैं आपको बता दूं कि 1975 रुपए का जो MSP रेट है और जो कि पिछले साल के मुकाबले 50 रुपए ज्यादा है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है गेहूं का MSP 1925 रुपए प्रति क्विंटल था। और ये अगर सरसों की फसल की बात करें तो यहाँ सरसों की फसल इसलिए नहीं आई है क्योंकि जो ऑयल मिलर है वो मिलर जो है वो सरकार से ज्यादा रेट देते हैं, इसलिए डायरेक्ट जो है किसान ऑयल मिलर को ही ये अपनी फसल बेच रहा है, क्योंकि जो सरकार का जो रेट है वो 4650 रुपए MSP है सरसों का और 5000 रुपए से भी ज्यादा जो है ऑयल मिलर जो सरसों की खरीद कर रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि जो किसान है मंडियों में नहीं पहुंचे हैं, 10 अप्रैल के बाद से वो यहां पहुंच सकते हैं, तो जो मैसेजेस गए हैं किसानों के पास, 6,000 से ज्यादा किसानों को आज बुलाया गया है, उनको आगे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? ये दीपशिखा देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सरसों के किसान है और जो गेहूं के लिए अभी से जो यहाँ जो स्थानीय अधिकारी है, मार्केट कमेटी सचिव है, उन्होंने मुझे बताया है कि अभी तक गेहूं की खरीद के लिए शेड्यूलिंग नहीं आई है कि किस शेड्यूल के हिसाब से किसको कैसे बुलाना है। ये सरसों के लिए शेड्यूल लागू होता है और बाकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं खरीद की, और सरसों के लिए इस तरह का जो शेड्यूल बनता है। गेहूं के लिए एक नई बात और आई है, सरकार ने एक पत्र जारी किया है, जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो अपनी फसल का पंजीकरण नहीं करवाया है वो 5 और 6 अप्रैल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जा करके अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। ये उन किसानों के लिए मौका है जिन्होंने अपनी फसल का पंजीकरण नहीं करवाया था। चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वही सुरेंद्र गौड़ हम